हेलो फ्रेंड्स क्रिएटिव फूड में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बहुत ही कम चीज़ों में मैंगो की आइसक्रीम बनाने वाले हैं ये वाली आइसक्रीम बनाने में तो आसान है ही लेकिन खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट है तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ये वीडियो को पूरा देखें तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मैंगो के आइसक्रीम बनाने के लिए दो कप दूध लिया है तो ये फुल क्रीम दूध है तो चलिए हम इसे उबालने के लिए रखते हैं हमें इसे इतना उबालना है कि ये एक कप हो जाए तो ये यह देखिए यहाँ पे दूध को उबाल आ रहा है तो हम यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रख देते हैं और इसे एक कप होने तक उबाल लेंगे तो ये यह देखिए यहाँ पे हमारा दूध तकरीबन एक कप हो चुका है अब हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे तो ये देखिए अमूल की मिठाई मीट जो आता है ना ये दो सौ ग्राम का पैकेट है जिससे कि हमारा दूध गाढ़ा भी बन जाएगा और इसे ऐसे क्रीमी वाला टेस्ट भी आ जाएगा और हाँ कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर ले तो अब हम ये धीरे धीरे इसमें डाल देते हैं और एक हाथ से इसे मिक्स करते जाएंगे अगर आपके पास ये मिठाई मीट अवेलेबल नहीं है या फिर आप ये डालना नहीं चाहते हो तो उसकी जगह पे आपको क्या करना है चार कप दूध लेना है और इसे एक कप होने तक तो उबालना है जिससे कि ये गाढ़ा भी बन जाएगा और उसमें शक्कर डाल देनी है तो हमने ना इसमें मिठाई मीट डाला है इसलिए हमें इसमें शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है नहीं तो आप ना इसमें शक्कर को पीस के डाल सकते हो बाहर की महंगी महंगी आइसक्रीम लाने से तो अच्छा है ना हम हमारे बच्चों को घर पे ही आइसक्रीम बनाएं और खिलाएं जिससे कि हमारे थोड़े बहुत पैसे भी बच जाएंगे तो ये देखें हमने यहाँ पे ये सब मिठाई मिटी इसमें डाल दिया है तो इसके बाद हम दो मिनट तक गैस को ऐसे ही ऑन रखेंगे उसके बाद हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे तो ये देखें हमने यहाँ पे दूध को रूम टेम्परेचर आने तक ठंडा होने दिया है अब हम इसमें एक कप आमरस डाल देंगे तो हम यहाँ पर केसर मैंगो का यूज़ कर रहे हैं आप चाहो तो कोई भी मैंगो का यूज़ कर सकते हो हमने यहाँ पे ब्लेंडर की मदद से आमरस को एक फाइन बना लिया है जिससे कि ना इसमें कोई गुटलियाँ ना रहे तो अब हम ये आमरस दूध में डाल देते हैं और उसके साथ ही हाफ टेबल स्पून हमने यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है ये हम इसमें डाल देते हैं जिससे कि ना आइसक्रीम का हमारा टेस्ट अच्छा आएगा और कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं हमने इसमें काजू और बादाम को छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दिया है आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल है या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हो अब हम विस की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा ये रेडी हो चुका है अब हम ना इसे आइसक्रीम के मोल्ड में डाल देंगे अगर आपके पास ना कुल्फ़ी का मोल्ड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कोई मोल्ड अवेलेबल भी नहीं है तो भी क्या करना है आप ग्लास का यूज़ कर सकते हो या फिर छोटी जो वाटी होती है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो तो ना मेरे पास ये आइसक्रीम का मोल्ड अवेलेबल है तो हम ना इसमें आइसक्रीम बनाएंगे तो चलिए अब हम ना इसे फिल कर देते हैं तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसे भर दिया है अब हम ना इसके ऊपर का जो कवर और स्टिक है इसे अच्छे से लगा लेते हैं और बाकी का बचा हुआ हमने ग्लास में ट्रांसफ़र कर दिया है अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा देंगे जिससे कि ना ऊपर से बर्फ़ ना जमे तो ये देखिए हमें इसे अच्छे से पैक करना है इसे पैक करने के बाद हम ना एक स्पून ऐसे ऊपर से रख देंगे जिससे कि ना हमें आइसक्रीम निकालने में आसानी हो तो ये देखिए हमें इसे होल करना है धीरे से और इसमें इसे डाल देना है तो अब हम ये सब छः घंटे के लिए डीप फ्रिज में रख देंगे जिससे कि हमारी आइसक्रीम अच्छे से बन जाए तो यहाँ पर हमारे ये छः घंटे कम्प्लीट हो चुके हैं तो चलिए आइसक्रीम कैसी बनी है हम ये चेक कर लेते हैं तो सबसे पहले हम ग्रास में से निकालेंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें थोड़ा एक मिनट के लिए हम रखेंगे जिससे कि ना हमारी आइसक्रीम जल्दी से निकल जाए तो ये देखिए हम ऊपर से भी निकाल लेते हैं तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम यहाँ पर कितना अच्छे से बन चुकी है और इसका कलर भी कितना अच्छा आ चुका है तो अब हम इसे धीरे धीरे करके निकालेंगे पानी में थोड़ा समय रखने से ना ये अच्छे से ऊपर से निकल आती है तो ये देखिए अब हम इसे ना एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो ये देखिए हमारे यहाँ पे ये बढ़िया वाली मैंगो वाली आइसक्रीम रेडी हो चुकी है तो ये दिखने में कितनी अच्छी दिख रही है तो अब हम चाकू की मदद से इसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं जैसे कि हमें सर्व करने में आसानी हो तो ये देखिए कितना हल्के से ये कट हो रहा है मतलब हमारी यहाँ पे मैंगो की आइसक्रीम बहुत अच्छे से बन चुकी है तो है ना ये आसानी से बनने वाली आइसक्रीम तो आप ये वाली आइसक्रीम ज़रूर घर पे ट्राई करना हमारी आइसक्रीम को और थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जिससे कि ना दिखने में भी बहुत बढ़िया दिखे तो चलिए अब हम ना मोल्ड वाली आइसक्रीम को ओपन कर लेते हैं तो इसे भी हमने पाँच मिनट तक नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए रखा है उसके बाद ये आसानी से ना निकल आता है तो ये देखिए हमारी ये वाली भी आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया तरीके से बन चुकी है तो ये दिखने में और खाने में दोनों में भी बढ़िया है तो आप ये वाली घर पर रेसिपी ट्राई करना और कैसे लेके आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना अगर आप ना मेरे इस चैनल क्रिएटिव फूड पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें थैंक यू